टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लाल खून का काला धंधा, जी हां, जिला अस्पताल में कुछ यही हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा की जिला अस्पताल का है, जहां एक सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को खून देने के एवज में 7,000 रुपये मांगी गई। परिजनों ने जैसे तैसे कर 7,000 रुपये देकर इनकी जेब तो गर्म कर दी, मगर मामला उजागर होने के बाद परिवार वालों को पैसा वापस लौटा दिया गया। इस खेल में वार्ड बॉय और एम्बुलेंस ड्राइवर की भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। मगर अब सवाल उठता है कि गरीबों का खून चूस कर लाल खून का काला धंधा कैसे जिला अस्पताल में किया जा रहा है? क्या इस पर अंकुश लग पाएगा? धड़ल्ले से किस तरह से ये खेल खेला जा रहा है, पूरी जानकारी अपने संवाददाता हामिद अली से लेते हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद अली, बताइए क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें, ये गोंडा का जिला चिकित्सालय है, जिसपे एक महिला पीड़ित है, जो उसका पति एक्सीडेंट में कहीं घायल हो गया था, उसी को इलाज कराने के नाम पर वहाँ आई, भर्ती करी। उसके बाद में उसको खून की ज़रूरत पड़ी, तो खून की ज़रूरत जब पड़ गई, उसको किसी के द्वारा, उसको जो है एम्बुलेंस कर्मी है, जो एम्बुलेंस चलाता है, ड्राइवर है, यही सेम आप इसका सब गाड़ी का हाँ, तो वही जो चलाता है उसी ने पैसा लिया है, 7,000 रुपये लिया था, फिर पैसा वापस किया। जब वहाँ में कुछ आदमी को जानकारी हो गई, उसने पैसा वापस किया, मगर पैसा वापस किया इसका मतलब लिया है, ये सेमो ऑफिस में काफ़ी दिनों से ऐसा धंधा चल रहा है, जो बाबू भी लेन देन करते हैं, कई लोग भी लेन देन करते हैं, उस पर जाँच के नाम पर कहते हैं जाँच होगी, जाँच होने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ जाँच के आश्वासन दे दिया जाता है। अभी भी वही बाबू बैठे हुए रहते हैं और अभी भी वही कर्मचारी रहते हैं। अब यह है, आज हमसे जो बात हुई है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से, सेमस से, इस पूरे मामले में क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है? उनसे बात हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि हमने ये बात डाली कि हाँ, किसी का लेन देन का 7,000 का मामला है, जो ब्लड का नाम पे लिया गया है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हम क्या गोली मार दें, उसको जो है डांटे फटकारे हैं, तो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी कि वो गोली मार दें, डांट फटकार के ऐसे उसको कह दिया जाएगा, जिससे मतलब वो आगे से नहीं, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करने की बात कही उन्होंने? कानूनी कार्रवाई इस तरह से बस गलत बयानबाजी कर, कानूनी कार्रवाई कहने की नहीं बात की है, उन्होंने कहा कि उसको समझा बुझा के डांट के उसको ऐसा किया गया है, अब हम गोली मार दें, ये उनका बयान था, सीधा सीधा जिला मुख्य, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, उनको से कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं है, ऐसे ही कई वाक्य ऐसे हो जाता है, इस पर जिला अस्पताल पर यही लगा रहता है सवालिया निशान। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और अब आपको सुनाते हैं जो मुख्य चिकित्सा, उनसे हमारे संवाददाता हामिद अली ने फोन लाइन पर क्या बातचीत की थी वो आपको सुनाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने बयानबाजी दी। हाँ बताइए सर, एक कल ब्लड का संबंध जो था वायरल है, वीडियो ब्लड का जो, हाँ ब्लड का पैसा लेने का मामला था 7,000 रुपया, उसी के संबंध में सर आपसे बैठ लेना है थोड़ा सा, 2 मिनट की। नहीं तो मैं उपलब्ध नहीं हूँ। उपलब्ध नहीं है? तो कब कैसे हो पाएगी, इस पे क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई जो हमें उसको वार्निंग देंगे, जो डांटा फटकारा, पैसा वापस करा दिया, फ्यूचर में ऐसा ना होने के लिए वार्निंग दी। ऐसे विभाग में वार्निंग से काम चलेगा सर? अरे तो गोली थोड़े अभी मार देंगे, पहले दिन अभी पहला हफ्ता मेरा है, पहुंचते ही सबको फायर थोड़ी कर देंगे। एक ऐसे संबंध में आपसे यही बैठ लेना था कि क्या बात कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, उसी संबंध में आपसे मिलना चाहिए सर, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं उपलब्ध नहीं है। हाँ नहीं, हम लखनऊ में है सर। मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं? खरबू चांदपुर। यहाँ जिला हॉस्पिटल आए हुए हैं क्या? अपने रिश्तेदार की दवा कराने आए हैं। अच्छा, तो कोई ब्लड व्लड का क्या मामला है? ब्लड यहाँ बेच रहे हैं लोग, पैसा लेकर बेच रहे हैं। अच्छा, आपके पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता थी? हाँ, 2 यूनिट की। तो पैसा कौन मांगा और कैसे? पैसा एक लड़के ने लिया था, 2 दिन बना रहा यहाँ। कितने ब्लड की आवश्यकता थी, कितना पैसा लिया था? 2 यूनिट की आवश्यकता थी और 7,000 रुपये उन्होंने लिया। 2 यूनिट के लिए 7,000 रुपये लिया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शांति है। कहाँ की रहने वाली है? परसपुर। तो यहाँ जिला हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है? हाँ, आदमी है मेरा, भर्ती है। अच्छा, तो क्या हुआ है आज यहाँ? उसका पैर टूटा हुआ है, सर पे टाका लगा हुआ, आँख से दिखता भी नहीं है उसको।
ब्लड का कोई मामला हुआ है? हाँ। क्या मामला है, पूरा पूरी बात बताइए। मामला ये है कि हम इनसे भैया से चोरी कर रहे थे, तो ये हमसे कहते हैं नाथ बात पे किसी से भी मांग लो खून, तो हमको सब लोग ने खून की आवश्यकता थी। हाँ। अच्छा, तो सब लोग जवाब दे दिए हमको खून का, तो हमने इनसे कहा भैया से कि हमें क्या बोलते खून का कोई सर्दी का से जवाब हो रहा है, अब क्या करें। तो कहीं तब हम मेरे आदमी ने पूछा बस कैसा खून कितने का मिलेगा कैसे होगा, तो ये बताएं 7,000, तो हमने 7,000 इनको दिए खून के लिए। 7,000 रुपये खून के लिए मांगा गया था? हाँ। कौन लड़का था, पहचानती हैं उसको? पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानती हैं।